दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय कुमार और वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेल बॉटम के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, कई बेल बॉटम मूवी में अक्षय कुमार और वाणी कपूर के अलावा लारा दत्ता और हुमा कुरैशी भी मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार और वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का निर्देशन रंजीत तिवारी ने की है। बेल बॉटम मूवी को पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। दोस्तों इस मूवी की स्क्रीन काउंट की बात करें तो बेल बॉटम मूवी को इंडिया में लगभग 1750 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जबकि ओवरसीज में इस मूवी को लगभग 250 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से बेल बॉटम मूवी को कुल मिलाकर लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। बेल बॉटम मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट 70 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी कोरोना महामारी में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बेल बॉटम मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2,75,00,000 रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो बेल बॉटम मूवी पहले वीक में 19,40,00,000 रुपए का कारोबार करने में सफल रही है। वहीं अगर बात करें इस मूवी के 10वें दिन यानी रिलीज के दूसरे शनिवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो बेल बॉटम मूवी 10वें दिन यानी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1,30,00,000 रुपए जुटाने में सफल रही है। तो दोस्तों इस तरह से बेल बॉटम मूवी का पहले 10 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 21,60,00,000 रुपए हो गई है, जबकि इस मूवी का पहले 10 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 25,60,00,000 रुपए हो गई है। वही अगर बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो बेल बॉटम मूवी का अब तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 34 करोड़ रुपए हो गई है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी ओवरसीज मार्केट में अब तक 8 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही है। वही अगर बात करें इस मूवी के 11वें दिन यानी रिलीज के दूसरे रविवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये मूवी 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1,60,00,000 रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के बावजूद भी अक्षय कुमार और वाणी कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों अगर आप बेल बॉटम मूवी देख चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।